दोस्तों आज है 22 अगस्त है और बिल्कुल शाम का समय है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शाम को ही रिपोर्टिंग का काम करती हूँ, तो ये जो जटरूपा का फूल आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसको मैंने कटिंग से तैयार किया है इस वाले प्लांट को। और ये कटिंग करी मैंने स्प्रिंग सीज़न में लगाई थी, और आप जैसे जान रहे हैं कि आज अगस्त हो गया तो कई मंथ हो चुके हैं, और ये कटिंग जो है फूल भी अब देना शुरू कर दिया है इसने। तो इसको बस मैं आज जा रही हूँ रिपोर्ट करने, और रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये 10 इंच का गमला ले लिया है। और इसको पहले मैं देखिए निकालती हूँ, फिर आपको इसके बारे में और कुछ भी बताती हूँ। ये जो है जब भी जैसे निकालना हो ना तो पानी मत डाला करिए। अब चूँकि बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से ये थोड़ा गीली हो गई है, तो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन निकल जाएगी। इधर से मैंने इस इधर से आगे ऐसे कर दिया है प्लांट को, तो वो ड्रेनेज होल में से। और ये कटिंग है, और इस तरीके से मेरा प्लांट देखिए, ये देख रहे हैं क्या बढ़िया रूट इसकी तैयार हो गई है। तो इसको बस ऐसे करके इसी तरह से, तो ये प्लास्टिक है ना, तो इसको दबा भी दे रही हूँ साइड से, तो आराम से निकल आ रहा। अभी यही कोई और चीज़ होती तो हाँ, देखिए इधर से ढीला पड़ा, निकल आएगा। मैं चाह रही हूँ उसकी कोई रूट्स को कोई हार्म ना हो। निकल आई निकल आई निकल आई, ये देखो। ठीक है, अब इसको ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, और इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत कटिंग के बारे में बताया हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं, ये वी शेप की जो कटिंग्स होती है ये बड़ी अच्छी होती है। दूसरी बात आपको बोलूँ, ये बड़ा ही हार्डी प्लांट है। अगर आपको अभी कहीं मिल जाती है इसकी कटिंग ना, तो आप लगा लो। मैं इसके कुछ भी हटा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये देखिए इसमें मैंने एक्चुअली क्या किया था, इतने महीने ये कैसे चल गई, वो ऐसे चल गई कि नीचे जो है ना मिट्टी रख दी थी मैंने, मिट्टी मिट्टी नीचे के नीचे यहाँ पे, मतलब बेस में, ठीक है। और बीच में जैसे गर्मी आई फरवरी में, मैंने बोला ना स्प्रिंग के टाइम पे लगाया था, तो ऊपर मैंने क्या करा, ऊपर कोकोपीट की ना, ये देखिए यहाँ जैसे अभी निकाला है मैंने, ये कोकोपीट ऊपर से, ये देखिए ये कोकोपीट था ऊपर की लेयर, मैंने कोकोपीट मिक्स नहीं किया था, मैंने नीचे मिट्टी रख दी थी। कि मैं इस तरह से करती हूँ तो उससे आसानी होती है ना, कि मान लो बहुत टाइम हो गया हम रिपोर्ट नहीं कर पाए तो कोई जल्दी नहीं रहती है। होता क्या है ना, मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, है ना, मिट्टी में तो पोषक तत्व होते ही हैं। ऊपर से चलो हमने कुछ डाल दिया, कोई खाद वाद बाद में, अब आप खुद आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये इसने फूल, और ये दोबारा फूल आया है इसमें, एक बार इसमें फूल आ चुका था फिर से आया, पता नहीं मैंने तो कुछ वो किया भी नहीं था, कोई प्रून वून किया नहीं है, ये देखिए। तो कोई जल्दी नहीं रहती है, कोकोपीट में या फिर सैंड में किसी चीज़ में लगाओ ना, तो फिर ये रहता है कि एक टाइम के बाद हमें रिपोर्ट करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे अगर ना तो फिर प्लांट तब भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि भाई उसमें कोई चीज़ सैंड में कोई पोषक तत्व तो होते नहीं, और आप कितना भी खाद खाद तो दे नहीं दोगे, रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बस थोड़ा मैंने इसी तरह से किया है। मैंने बहुत सारा मेरे गार्डन में जितने भी बहुत सारे प्लांट जितने हैं उसमें से मैंने बहुत सारा कटिंग से ही तैयार किया, अभी मैं दिखा दूँगी, फ़िलहाल इसको कर दूँ तो इसमें कुछ है ही नहीं, इतना आसान है ये। जब भी कोई ऐसा प्लांट होता है ना जो बड़ा हार्डी होता है, तो उसको उसकी कटिंग भी लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा मिट्टी का बता दूँ, मिट्टी में नॉर्मल जो है खाद है मेरे अपने उसकी है, मैं जैसे कचरा वचरा गार्डन का सारा वो करके रखती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, तो बस वही सब है इसमें, मिक्स है खाद आद मिक्स है। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है ना वो इस तरीके से वेल ड्रेन होनी चाहिए। कोई कितना भी हार्डी प्लांट क्यों ना हो, उसमें मतलब ना पानी रुकना नहीं चाहिए, ये चीज़ है। अब मैंने वही वाली मिट्टी इधर डाल दी जो जो इसमें से निकली थी, बाकी खाद मिक्स कर ली है, अगर बहुत चिकनी हो तो आप सैंड मिक्स कर लो, नहीं तो खाद का वही है 40% तो करीब मिक्स कर लीजिए। बार बार इन प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती है, बस ये है कि एक बार देखिए। मैं ना बाकी की और केयर टिप्स आपको बाद में बताऊंगी, शाम को मैं अभी आजकल का क्या कर रही हूँ, अभी इसमें पानी देना है, पानी ऐसे देना है कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए,
इस तरह से पानी देना है। अभी ये बहुत आधा मतलब इतना करीब 2 इंच और इसमें भरना है मुझे, इस यहाँ पे तक ख़त्म हो गई थी, इतना भी और भरना है, भरती हूँ फिर पहले आपको और चीज़ें बता देती हूँ। देखिए आजकल ना बरसात का जैसे मौसम है, मैं बहुत सारे प्लांट जो है पुराने प्लांट नए प्लांट सबको रिपोर्ट कर रही हूँ, जैसे नया लगा रही हूँ पुराना वाला है अगर रूट बाउंड हो गया तो उसे रिपोर्ट कर रही हूँ। तो अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा उस प्लांट की केयर टिप्स कहाँ रखना चाहिए कहाँ नहीं रखना चाहिए, उसको क्या पानी वानी ये सब कुछ नहीं बता रही हूँ, उतना पुराने वालों पे मैं बताती रहती हूँ। अब जैसे कोई चीज़ नया लगाया है, जैसे मैंने आपको भी मैं नीचे वहाँ चलती हूँ, ये देखिए जैसे मेरी वो नीचे बालकनी में वो सब चंपा वंपा जितने आप देख रहे हैं ना वो सब मेरे मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। ये देखिए ये जैसे ओलियंडर है ये भी कटिंग से ही लगाया है, ठीक है, और ये देखिए कितना वो हो गया कितना घना हो गया है। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ जैसे जो अभी जो नए प्लांट लगा रही हूँ ना मैंने, जैसे वो लगाया है अभी तेज पत्ते का लगाया है, तो तेज पत्ता के रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने बना दिया है, लेकिन जब तक कि मुझे उसके खुद से उसका लाइट लोकेशन उसका फर्टिलाइजर मतलब जब तक मैं उसको खुद 1 साल तक ऑब्जर्व नहीं कर लेती हूँ कि हाँ उसको कैसी लाइट में अच्छे से ग्रो कर रहा है कैसा पानी चाहिए, तब तक मैं कहाँ से, जब मुझे पता ही नहीं, मैं गूगल पे सर्च करके या इधर उधर से वीडियो वीडियो देख के नहीं वो सब करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मुझे किसी प्लांट के बारे में मुझे मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तब तक मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि उसको कहाँ रखो कितनी धूप में रखो कैसे रखो ये सब चीज़ें। तो उस पर मैं जैसे बाद में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ। और देखिए जैसे अभी करीब 20 दिन या 20-25 दिन हो रहे होंगे शायद, ये आप मेरा गुड़हल देख रहे हैं ये वेरीगेटेड लीव्स वाला है और पॉली बैग में लगा था, उसके बाद मैंने इसको अभी मतलब रिपोर्ट किया है, फूल भी निकल चुका है, मैंने बीच बीच में आप लोगों को दिखाया भी है, तो अब इसकी ग्रोथ एकदम से हो रही है, देखिए फिर से इस पर कलियाँ आ रही हैं। तो जब मुझे इसका अपडेट मिल गया, मैंने इसको रिपोर्ट किया, जब ये अच्छे से ग्रो करने लगा उसके बाद फिर मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था। तो जब तक मुझे खुद से रिज़ल्ट नहीं मिल जाता मैं नहीं वीडियो बनाती हूँ। रही जटरूपा की बात, तो बहुत हार्डी प्लांट है, उसको जैसे रिपोर्ट कर दिया है उसका ऐसा कुछ नहीं है, उसको बस देखिए कोई भी प्लांट आप रिपोर्ट करिए तो एकदम से उसको फुल सनलाइट में मत रख दीजिए, अभी तो बरसात का मौसम है और अभी जैसे शाम को मैंने रिपोर्ट किया है, मॉर्निंग वाली जो 1-2 घंटे की सनलाइट में रखा भी रहेगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जब रिपोर्ट करिए तो उसको उसकी मिट्टी को सूखने भी मत दीजिए और बहुत गीली भी मत रख दीजिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये देखिए मेरा तेज पत्ता ये भी बहुत मतलब अच्छे से लग गया है और इसके इस पर तो खैर रिपोर्टिंग का इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। और जो जटरूपा है ना वो आपको कहीं भी ऐसे मिल जाएगा, कम केयर वाला और साल भर चलने वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, ऐसा नहीं है कि कोई, ये तो खैर दोस्तों वो है इंसुलिन प्लांट है। चलिए दोस्तों अब मैं इन सब में भी पानी डालती हूँ क्योंकि ऊपर छत पे तो पानी डाल दिया, यहाँ की सब मिट्टी सूखी हुई है, बाकी ठीक लगा हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा और नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।